इंडिया ने तो भाई ऐसा कर दिया उनको, मतलब के अल्लाह वास्ते जैसे हम ग्राउंड कराते खेलने के लिए, भाई 1,00,000 रुपए ले लिए और ग्राउंड दे दिया, बोला ये चाबी पकड़ो और अब तुम सुखाते रहो कुछ भी करो, अब क्या राशिद खान पहुंचे लगाएगा भाई ग्राउंड में आके यार। बीसीसीआई थोड़ी हेल्प दे देती है कि भाई यहाँ पे मौसम जो है खराब है, आप इधर नहीं खेलो कहीं और खेलो। आकिब भाई बात बताऊंगी, उन्होंने बोला अफगानिस्तान है नमक हराम, जब पाकिस्तान से नमक हराम ही कर सकती है तो हमसे भी कर सकती है इनका जा दिल। भाई इंडिया इतना बड़ा है, 50 ग्राउंड है इंडिया में, आपको जरूरी था मुंबई में आ जाते, दिल्ली में आ जाते, कहीं भी आके आप क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो कैसे हैं आप लोग, तो नई वीडियो के साथ आप दोनों हाजिर हो चुके। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, इंडिया भाई अब अपने जो बेटे हैं ना अफगानिस्तान, उनको भी जलील कराने में लगी पड़ी हुई है भाई। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज थी, एक ही मैच है मेरे ख्याल से, और भाई उसमें भी जो जिल्लत हुई है ना अफगानिस्तान की, मैं तो भाई शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इनको थोड़ी सी गैरत आई। अभी भाई हमने देखा कि अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा आज के बाद हम कोई जो है ऐसी सीरीज हम रखेंगे नहीं जिसमें हमें कोई चीज मिली नहीं रही। भाई ना ग्राउंड सूख रहा है, ठीक है वो पंखे लेके लगे हैं, ये कौन सी हरकत है, 2024 में जी रहे हो। हमारा पीएसएल का मैच होता है ना, तो उसमें भी हमारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं ग्राउंड पर, आ जाते हैं मेरे भाई सुखाने के लिए, और आप समझ लो इंटरनेशनल टीम में खेल रही है, आप लोग उसमें भी पंखे लेके घूम रहे हो, शर्म आनी चाहिए इंडियंस और अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को अगर ये मैच खेलता तो अफगानिस्तान को थोड़ा बेनिफिट हो सकता था न्यूजीलैंड से जीतता, क्योंकि अफगानिस्तान इस टाइम टफ टीम चली, क्योंकि देखिए अभी लास्ट टाइम जो T20 हुआ उसमें भी भाई सेमीफाइनल में एक ऐसी टीम को पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल बहुत एफर्ट कर रही है, एफर्ट तो कर रही है भाई उनके बॉलर बैट्समैन हर तरफ से, लेकिन भाई सीरीज होगी, मैच होगा तभी तो वो ऊपर बढ़ेंगे भाई। लेकिन इंडिया ने तो भाई ऐसा कर दिया उनको, मतलब के अल्लाह वास्ते जैसे हम ग्राउंड कराते खेलने के लिए, भाई 1,00,000 रुपए ले लिए और ग्राउंड दे दिया, बोला ये चाबी पकड़ो और अब तुम सुखाते रहो कुछ भी करो, अब क्या राशिद खान पहुंचे लगाएगा भाई ग्राउंड में आके यार। और दूसरी बात ये है कि जब बोलते ना, जब पहले अब्बू से जब आप करते हो ना नमक हरामी, भाई पाकिस्तान के ग्राउंडों में आपने सीखा, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटरों से आपने बॉलिंग बैटिंग सीखी, अब आपने अब्बू किसको बना लिया, इंडिया को, और जब इंडिया को और पाकिस्तान को हराते हो तो फिर इंडिया वो जो क्या नाम है उनका यार, यूसुफ पठान, आई थिंक यूसुफ सॉरी इरफान पठान साहब के साथ राशिद खान साहब, ऐसा लगता है वर्ल्ड कप जीत गए ऐसे, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है, कभी नसीम शाह मुंह की खिला देता है तो कभी इंडिया वाले मुंह की खिला देते हैं इनको। भाई जो मैं तो ये कहूंगा कि भाई इंडिया की इसमें ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान ने खुद जो है नोएडा का जो वो ग्राउंड है वो खुद सेलेक्ट करा, लेकिन अगर बीसीसीआई थोड़ी हेल्प दे देती है कि भाई यहाँ पे मौसम जो है खराब है, आप इधर नहीं खेलो कहीं और खेलो, नहीं। आकिब भाई बात बताऊंगी, उन्होंने बोला अफगानिस्तान है नमक हराम, जब पाकिस्तान से नमक हराम ही कर सकती है तो हमसे भी कर सकती है इनका जा दिल। भाई इंडिया इतना बड़ा है, 50 ग्राउंड है इंडिया में, आपको जरूरी था मुंबई में आ जाते, दिल्ली में आ जाते, कहीं भी आके आप क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन नहीं भाई ग्राउंड खेलना था, ग्राउंड तो ये इंडिया की गलती नहीं है, इंडिया के पास कोई 50 से 100 ग्राउंड है, और मतलब ग्राउंड भी A1 ग्राउंड है भाई, ऐसे कोई ग्राउंड नहीं, छोटे मोटे अच्छे ग्राउंड है, जहाँ आईपीएल होता है, समझ लो आईपीएल ऐसा है कि इंटरनेशनल के टक्कर देता है भाई, बिल्कुल। जब भाई अच्छे ग्राउंड थे तो अफगानिस्तान को भी चाहिए था कि अच्छी टीम से खेलना है तो थोड़ा और अच्छा बेहतर ग्राउंड देते, वेदर देखते कैसा है, बीसीसीआई को भी चाहिए था कि भाई उनको बताते कि भाई अभी वेदर ठीक नहीं है यहाँ का, आप ये वाला ग्राउंड ना ले, लेकिन नहीं भाई दे दिया ग्राउंड, अब वो पंखे लेके, मेरे पास पिक्चर्स मैंने देखी अभी, वो पंखा उल्टा लेके घूम रहे हैं, यूं घुमा रहे हैं, नहीं वो भाई, तो देखें आज 2000 हरीश भाई, इंडिया है बीसीसीआई है, ऊपर से 2024 चल रहा है, पंखों से कौन ग्राउंड सुखाता है यार। भाई देखें कहने की बात है, जिसकी जो औकात होती है उसके हिसाब से इंसान को रखा जाता है, अफगानिस्तान की पंखों वाली औकात है उनको पंखों के हिसाब से यार ग्राउंड सुखाया जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान को जो है ना चाहिए कि अब थोड़ी सी गैरत की जो है गोली खा ले, थोड़ा साइड में हो, अपनी क्रिकेट को उरूज दो, तुम अच्छे खेलते हो, एफर्ट करते हो हर चीज में, अच्छी तुम्हारी क्रिकेट है तो भाई किसी के उसमें नहीं आओ, अपना खेलो, अपने क्रिकेट रखो, पाकिस्तान के ग्राउंड में मैचेस रखो, पाकिस्तान के ग्राउंड अभी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे आने वाले, पाकिस्तान वाले अब भी मना नहीं करेंगे, आपने जितनी नमक हरामी करनी थी करी, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े, आप आएंगे हमारे ग्राउंड में तो भाई वेलकम, और हम आपके मैच देखने भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे भाई इंडिया का जो पंखे वाला सीन है ना बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, अभी का सीन नहीं है यार, मुझे दुख हुआ है ये देख के भाई इंडिया भी पंखों से पानी सुखा रहा है यार, इतनी चैंपियन टीम और इतनी लेजेंड, तो यार हमारा वीडियो बनाने का भाई यही मकसद है कि इंडिया की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान को पहले वेदर चेक करना था और इतने सारे ग्राउंड में कहीं भी मैच रखना था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दो, जो फेसबुक से देख रहे हैं वो फॉलो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।